हेलो गाइस, राम राम। आज बना रहे हैं नमकीन दलिया। दलिया बनाएंगे हम मटर, आलू, टमाटर, हरी मिर्च तड़का लगा के, जैसे हम राइस बनाते हैं ऐसे ही हम बनाएंगे आज नमकीन दलिया। तो ये भी बच्चे खा लेते हैं, और वैसे दलिया बनाए तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैं दलिया बनाऊंगी कुकर में। कुकर मैंने चढ़ा दिया है, और अब इसको थोड़ा सा गर्म होए। कुकर हो गया हमारा गरम, और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल, और अब इसको गरम होने देंगे। सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्च, फिर डालेंगे प्याज, फिर डालेंगे मटर। अब डाल दिया है टमाटर। अब हमने सारे मसाले डाल दिए है, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, और अब इनको ये कुछ इस तरह का लगेगा। अब इसमें डालेंगे दलिया। में दलिया डाल दिया है, और अब सारे को करेंगे मिक्स। ये देखो इस तरह, और अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखो हमने पानी डाल दिया है, दलिये को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और अब हम इसमें दो सीटी लगवा लेंगे, और सीटी बंद करके नहीं रखेंगे, तुरंत सीटी को खोल लेंगे। ये हमने कुकर का ढक्कन दिया लगा, और सीटी चेक करेंगे, सीटी बन रही है, और अभी सीटी आ जाएगी। दो सीटी लगा कर हम बंद कर देंगे। ये देखो पूरी दो सीटी के बाद मैंने कुकर खोल दिया है। खोलने के बाद देखो कि पूरा नमकीन राइस के जैसा बन के तैयार हो गया है, और बच्चे खा बहुत खुश होके खाते हैं, क्योंकि आलू और मटर डले होते हैं, और दलिया बच्चों के लिए भी पौष्टिक होता है खाने के लिए, और ऐसे दलिया बनाए तो बच्चे खाते नहीं हैं। आप भी ऐसे बना के देखना, और फिर बताना कि कैसा लगा।